एक बार तो बर्बाद हो चुका है, मैं इसको बर्बाद नहीं करना चाहता। गलत याद आ रही है क्योंकि हमने भी आई होप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू चैनल ब्लॉग। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो यार अभी सुबह सुबह अपना तो दूध उबल रहा है, आज चाय नहीं बना रहा हूँ। एंड ये बर्तन धो के रखते हैं कल रात हुई। तो आज दूध क्या करेंगे हम नाश्ता। कल रोटी मंगाया था तो रोटी बच गई है मेरी, तो आज सुबह रोटी खाएंगे नाश्ते पे हम। एंड अभी फटाफट से खाना भी चला लेते हैं तो ताकि हम दिन में भी खाना खा सकें। तो यार चावल चढ़ा दिया है, साथ ही साथ दाल को चढ़ा दिया अंदर ही पकने के लिए। एंड अपना दूध उबल चुका है तो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। फिर उसके बाद दाल को अच्छे से फटाफट बना बनो के खाएंगे बाद में दिन में आने के बाद। तो यार एग्जाम में नाश्ता कर रहा हूँ। यहाँ देख रहे हो कपड़े अभी भी अन्य वैसे ही है। अभी भी ये कपड़े अभी तो मैंने इसलिए पैक नहीं किया ना क्योंकि अभी कुछ सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं। एंड सब मिक्सअप करके थोड़े वैसे नॉर्मल ही हो गया होगा, तो मैं आज धूप में सुखाऊंगा अच्छे से। बट अभी भी धूप नहीं आया, यहाँ यही दिक्कत है, सुबह सुबह धूप नहीं आ रही है, दिन में आ रही है। तो कोचिंग से आने के बाद ही करेंगे उसको, दोबारा डालेंगे आज। बस आज सूख जाए ना इसको, इन सबको पैक कर दूँगा। पैक ही नहीं कर रहा है मतलब, इसी वजह से पैक ही नहीं कर रहा उनको मैं। अब बारी है प्याज टमाटर काटने की। नाश्ता तो हो चुका है तो फटाफट से दाल पका के फिर चलते हैं ऐसे कोचिंग की ओर। तो यार मैं तो फिलहाल चेंज अप कर चुका हूँ, कोचिंग में तैयार हो चुका हूँ एंड अपनी दाल भी बन चुकी है। तो अब सही हो गया, कोई टेंशन नहीं है दिन का। अब फटाफट जूता पहनते हैं निकलते कोचिंग को। हाँ देखो भाई मौसम ख़राब है एंड अभी ना बूंदा बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बारिश आ जाएगी शायद आज। आज तो गंदा ही मौसम हो रहा है। तो फिलहाल मैं सब कोचिंग पहुँचने आ रहा हूँ तो मिलते हैं आपको कोचिंग के बाद। तो यार कोचिंग तो कंप्लीट हो गई है एंड ना मेरा अभी बहुत तगड़ा वाला सरदर्द हो रहा है, गंदा ही वाला मतलब। मैं थोड़ा करा मैंने, उसके बाद में मेरा सरदर्द नजर रहा, मैंने छोड़ के आधा करके अब आ गया हूँ मैं। सुबह 15 में चलते हैं, आराम करता हूँ यार, बहुत अंदर से बच रहा है। सो गुड इवनिंग गाइस। तो यार अभी आपके पास गए हैं, 5 बज चुका है। मैं कोचिंग से 1:30 बजे पहुँच गया था, तब से मैं अभी तक सोया ही हूँ। जस्ट अभी उठाऊँ तो लगा लो 3.5 घंटे से मैं सोया हूँ। अभी मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, हल्का से ऐसे शेक कर रहा हूँ ना तो मेरा लगा लो अभी भी दर्द कर रहा है। एंड अभी मुझे उठना ही पड़ा ज़बरदस्ती क्योंकि यार मैंने खाना बना के गया था मैं सुबह ही, तो वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। एक बार तो बर्बाद हो चुका है, मैं इसको बर्बाद नहीं करना चाहता। एंड कसम से कह रहा हूँ भाई, बड़ा भी घर वालों की याद आ रही है क्योंकि जब अब बीमार पड़ जाऊँ ना मैंने तो घर वाले थोड़ा टेक केयर तो करते हैं। अभी यहाँ तो है ही नहीं, कोई नहीं है टेक केयर करने वाला, अकेले करना है, खुद ने काम करना है। तो फिलहाल अभी उठता हूँ एंड खाना खा लेते हैं, 5 बजे खाऊंगा मैं जब के लगा लो। कहीं भी बातचीत तो नहीं हो गया, पहले बस सो लेते हैं नहीं तो फिर ये भी नहीं। अभी तो बासी नहीं हुआ है, अभी ठीक है, खाने लायक है तो उसको फटाफट खा लेते हैं गर्म करके। देख रहा हूँ खाना परोस दिया है बट हिम्मत ही नहीं हो रही खाने की, इतना गंदा दर्द हो रहा है, दर्द शायद बुखार भी आ रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो घर से बात कर लेता हूँ फटाफट, फिर देखते हैं तो फिर दवाई ववाई लेके आता हूँ मैं। क्या हो रहा है अब तो धीरे धीरे पसीना भी आ रहा है, अभी नहीं दिख रहा होगा पर पसीना भी आ रहा है। क्या पकल हो गया हूँ मैं। तो यार अभी तो मैं छत पे आ गया हूँ, थोड़ा फ्रेश हवा खाने, क्या पता हवा के उससे होगा वो कमरे के अंदर ही बंद है। वैसे तो कमरे के अंदर बंद था ही नहीं मैं, चलो कितनी परेशानी हो रही है ना भाई साहब, बहुत गंदी परेशानी हो रही है। अभी मैं ही समझता हूँ, अभी आप लोग नहीं सोचे होंगे ना, उल्टियाँ जैसा भी हो रहा है, उल्टियाँ जैसा खाना ही नहीं खा पा रहा हूँ मैं। अभी जाते हैं बराबर से दवाई देने। तो यार अभी जस्ट उल्टी उल्टी हो गई मुझे, बहुत ही गंदा हुआ भैं, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। आँख से आंसू भी आ गए भैं, उल्टी उल्टी के मम्मी से भी बात हुई थी तो मम्मी ने बोला था उल्टी उल्टी आएगी, उल्टी उल्टी हो भी गई।
अब क्या पता थोड़ा फील बेटर करूँ, पर अभी तो कुछ नहीं है, बट अभी थोड़ा उसके से अजीब हो रहा है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, पहले से थोड़ा बेटर है वॉमिटिंग करने के बाद, एंड वॉमिटिंग तो हो गई है। अब ऐसा करते हैं थोड़ा घूम लेता हूँ, इवनिंग वॉक कर लेते हैं, इवनिंग राइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्रेशनेस फील होगा तो उसके बाद मे भी आई होप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी ठीक हो जाएगा तो फिर खाना भी खा पाऊँगा। दिख रहा हूँ मेरा खाना छोड़ रखा है, वो खुला ही रख रखा है।